नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। मेरठ के सुगर मिल में लगी भीषण आग। कांग्रेस नेता आसिफ खान हुए गिरफ्तार। दवा के खेल में डिप्टी सीएम का कड़ा रुख। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की नई घोषणा। विवादों में फिर घिरे बाबा रामदेव। मैनपुरी में डिंपल यादव ने की नुक्कड़ सभाएं। सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा। आज इंदौर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। कानपुर में कोहरे के चलते ट्रेनें हुई कैंसिल। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही पार्टी ने कांग्रेस से दुगनी नौकरी देने का वादा किया। भाजपा ने 5 साल में 20 लाख जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया। आपको बता दें कि गुजरात भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए गुजरात के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की राय ली गई थी। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया था, साथ ही युवाओं से संपर्क किया गया। इससे पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी थी। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के सुगर मिल में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मिल में टरबाइन फटने से यह हादसा हुआ। इस घटना में मिल के चीफ इंजीनियर बुरी तरीके से झुलस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनके अलावा 6 अन्य कर्मचारी भी झुलस गए। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मोती नगर के जीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कांग्रेस नेता आसिफ खान को शाहीन बाग इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आसिफ खान पे आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रचार के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ बदसुलूकी और मारपीट की थी। वही मामले में उनके कुछ सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया। किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मरीजों की दवा बाजार में बेचने के मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। मामले का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि सप्ताह भर में मामले की जांच कर रिपोर्ट दी जाए। वहीं हॉस्पिटल फंड से मिलने वाली सस्ती दवा के बाजार में बिक्री होने का खुलासा हुआ। इस मामले में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपनी चिंता जाहिर की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की कि उनकी पार्टी पीटीआई के मेंबर्स असेंबली से इस्तीफा देंगे। वे शनिवार को रावलपिंडी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि इस बारे में वह पार्टी के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने कहा कि हम मौजूदा सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, हमने सभी विधानसभाओं को छोड़ने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव जनपद मैनपुरी के तहसील क्षेत्र के कस्बा करावली पहुंचकर चुनाव कार्यालय में नुक्कड़ जनसभा को संबोधित कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहां मौजूद लोगों से कहा कि मैनपुरी में जो भी विकास दिख रहा है स्वर्गीय नेताजी की देन है, क्योंकि उन्होंने मैनपुरी की जनता को अपना परिवार माना था। आज हमारे बीच नेताजी मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये पहला चुनाव हो रहा है। वही समाजवादी पार्टी के हित में मतदान कर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आ रहे हैं, साथ ही सीएम योगी जीआईसी मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान 1057 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद आयुक्त सभागार में विकास कार्य को लेकर समीक्षा करेंगे। वहीं शाम को रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री 6 घंटे तक रामनगरी में रहेंगे। वहीं सीएम योगी के दौरे को देखते हुए जिले में रूट डायवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। यात्रा सुबह 6 बजे से मऊ से रवाना हुई। वही राहू चौराहे से आगे बढ़ने के दौरान करीब 3 बजे उपरोक्त मार्ग पर सभी तरह से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। जिन लोगों को राहू चौराहे से इंदौर की ओर जाना है वो 4 लेन बाईपास से आ सकेंगे। साथ ही पश्चिम क्षेत्र में आने वाले लोग राहू चौराहे से ओवरब्रिज होकर नखरौली कैंट रोड से होकर हवा बंगला फूटी कोड़ी की तरफ जा सकेंगे। इसी तरह इंदौर से राहू चौराहे की तरफ आने वाले इसी मार्ग का उपयोग करेंगे। बाबा रामदेव
मेयर ने शनिवार को पुणे के योग शिविर में कहा कि महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं, मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। बाबा रामदेव के साथ मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पत्नी भी मौजूद थी। वही बाबा रामदेव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि बाबा को देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सर्दी में कोहरे का असर अब रेलवे पर दिखने लगा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाने से ट्रेनों का परिसंचालन भी प्रभावित हो रहा है। रेलवे प्रशासन ने घने कोहरे के चलते 14 गाड़ियों को निरस्त करने का फैसला लिया। दिसंबर से लेकर फरवरी तक 100 से ज्यादा ट्रेनों के परिसंचालन में बदलाव हो चुका है। वहीं कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया जा चुका है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज़। नमस्कार।